झंडा ऊपर कर ले, थोड़ा झंडा ऊपर कर ले, ये इधर भैया झंडा आजादी की लड़ाई में किसी भी वर्ग के लिए नहीं कहा जा सकता कि उसने योगदान न दिया। अल्पसंख्यकों के लिए जो कहा जाता है वो देश की कुधारा से अलग है। मेरा मानना है कि पाकिस्तान के बंटवारे में हिंदुस्तान के 70% मुसलमानों ने पाकिस्तान जाना नहीं स्वीकार किया था। इस मारे आज मैंने अल्पसंख्यकों की तरफ से जन संदेश यात्रा तो भारत आज़ादी का 75 वर्ष ये तिरंगा यात्रा निकलवाई है संदेश देने के लिए कि आज भी अल्पसंख्यक देश के साथ है, देश के प्रधानमंत्री जी के साथ है और देश की विचारधारा के साथ चलना चाहते हैं। कुछ राजनीतिक दल के जैसे सपा के अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा तिरंगा यात्रा नहीं बल्कि दंगा यात्रा, मेरे ख्याल ऐसे बचकाने बयान क्यों, मुझे लग रहा अभी सपा का लड़कपन नहीं गया। अगर सपा थोड़ी गंभीर होती तो जनता भी गंभीरता से लेती है। इन बयानों की हम निंदा करते हैं, बयान उचित नहीं। एक सन्यासी हैं दीनानंद गिरी, उन्होंने एक बयान दिया है कि तिरंगे के बजाय भगवा ध्वज फहराना चाहिए, तिरंगा जो है गुलामी का प्रतीक। उनको शायद उन्होंने गुलाम भारत नहीं देखा होगा, कहने को तो वो साधु हैं, लेकिन अगर साधु ही भाषा बोले तो उन साधुओं को हमें तिरस्कार करना चाहिए। धर्मेंद्र यादव के प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे पूरे देश में आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को मनाया जा रहा है, एक उत्सव के रूप में लोग मना रहे हैं। और मेरा मानना है कि देश को आज़ाद कराने में सभी वर्गों का योगदान था और मैं ये भी कह सकता हूँ हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे के समय 70% मुसलमानों ने पाकिस्तान जाने को मना कर दिया था और देश को अपना देश माना था। लेकिन ये संदेश जा रहा था कि मुस्लिम वर्ग अलग है, तो आज हमें संदेश देना चाहते थे नहीं, मुसलमान भी राष्ट्र की धारा के साथ जुड़ा है, राष्ट्रीय उत्सव को उमंग से मना रहा है और इसी मारे आज हरदोई का मुसलमान एकजुट होकर देश के प्रेम में निकला हुआ है और नारे लगाते हुए वो संदेश दे रहा है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नारा इस देश में सदैव जीवित रहेगा। सर बहुत सारे कार्यक्रम इस समय टीवी पर चल रहे हैं, तो ऐसे में आप इस 15 अगस्त के उससे क्या कहना चाहें, किस तरीके कार्यक्रम? मैं तो ये कार्यक्रम के जो लोग बनाने वाले हैं डायरेक्टर प्रोड्यूसर, उनसे ये अनुरोध करूंगा कि आपने देवी देवता सबके सीरियल दिखाए, दिखा भी रहे हैं, लेकिन अगर गुलामी के 750 वर्ष का इतिहास सीरियल के माध्यम से दिखा दें तो जैसे लोगों ने रामायण और महाभारत को जाना है तो हम भारत के नौजवान लोग या नई पीढ़ी ये जान तो सके कि 750 वर्ष हमारे बुजुर्गों को कितनी यातना सहना पड़ी है, एक एक झंडा लगाने के लिए क्या उनको यातना सहनी पड़ी है, ये इतिहास बताना बहुत जरूरी है क्योंकि बच्चों को इतिहास नहीं पढ़ाया जा रहा।